अचानक बिना किसी चेतावनी के एक भयंकर तूफान आया। मुंबई, ये बसलिंग मेट्रोपोलिस, टोरेंशियल रेन और तेज हवाओं में डूब गया। अरेबियन सी, जो आमतौर पर शांत रहता है, एक रेजिंग बीस्ट में बदल गया। लहरें कोस्ट लाइन से बुरी तरह टकरा रही थी, सड़कें नदियों में बदल गई, गाड़ियां कॉर्क्स की तरह तैरने लगी और ये सिटी दैट नेवर स्लीप्स एकदम पैरालाइज्ड हो गया। ये तूफान, जो अपनी इंटेंसिटी में अभूतपूर्व था, समुद्र के किनारे बसे शहर की वल्नरेबिलिटी को उजागर करता है। यह एक कठोर रिमाइंडर था कि नेचर्स पावर इंसानों के सबसे एलैबोरेट कंस्ट्रक्शंस को भी तबाह कर सकती है। लगातार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम्स को ओवरवेल्म्ड कर दिया, जिससे सड़कें स्वर्लिंग करंट्स में बदल गईं। तेज हवा शहर से गुजर रही थी, पेड़ों को उखाड़ रही थी, बिलबोर्ड्स को चीर रही थी और डेब्री को हवा में उड़ा रही थी। जैसे ही तूफान आया, डिसबिलीफ और फियर ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। मुंबई की जिंदगी का फैमिलियर रिदम बिखर गया। उसकी जगह हाउलिंग विंड्स, क्रैशिंग वेव्स और इंसेसेंटली ड्रमिंग ऑफ रेन की कैकोफोनी ने ले ली। शहर, जो आमतौर पर रेजिलियंस और एनर्जी का बीकन होता है, अपने नीज पर आ गया। इसके निवासी अपने आसपास हो रही डिजास्टर के स्केल को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तूफान का डेली लाइफ पर असर इमीडिएट और प्रोफाउंड था। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से रुक गया, क्योंकि रोड्स इम्पासिबल हो गईं, ट्रेन सस्पेंड कर दी गईं और एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। शहर की लाइफलाइन, लोकल ट्रेन नेटवर्क पैरालाइज्ड हो गई, कम्यूटर्स फंस गए और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो डिसरप्ट हो गया। शॉप्स एंड बिजनेसेस को बंद होने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि रेजिडेंट्स अपने घरों में दुबके हुए थे, एंक्शियसली राइजिंग वाटर लेवल्स को मॉनिटर कर रहे थे। लगातार बारिश और फ्लडिंग ने मुंबई की बसलिंग लाइफ को स्टैंड स्टिल पर ला दिया। स्कूल्स एंड ऑफिसेस बंद हो गए, वर्क एंड एजुकेशन का यूजुअल रिदम एक ईरी साइलेंस से बदल गया। शहर की वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ गायब हो गई, क्योंकि वेंडर्स को अपने स्टॉल्स छोड़कर शेल्टर ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा। ट्रैफिक और क्राउड्स की फैमिलियर कैकोफोनी हाउलिंग विंड्स और रिलेंटलेसली ड्रमिंग ऑफ रेन की ओमिनस साउंड में बदल गई। इसका असर फिजिकल इनकन्वीनियंस से आगे तक था। तूफान ने फियर और अनसर्टेनिटी की भावना पैदा की, नेचर्स फ्यूरी के सामने शहर की वल्नरेबिलिटी का एहसास कराया। इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन जैसी एसेंशियल सर्विसेज के डिसरप्शन ने एंजाइटी को और बढ़ा दिया, जिससे रेजिडेंट्स एक ऐसे शहर की चैलेंजेस से जूझ रहे थे जो डार्कनेस और आइसोलेशन में डूब गया था। तूफान ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की फ्रेजिलिटी को उजागर किया। शहर का ड्रेनेज सिस्टम, जो पहले से ही रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण स्ट्रेन्ड था, रेनफॉल की शीयर वॉल्यूम से ओवरवेल्म्ड हो गया था। रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ और ज्यादा रोबस्ट और क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को हाईलाइट किया। तूफान एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि मुंबई के डेवलपमेंट को इंक्रीसिंगली फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के सामने सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तूफान की रिलेंटलेस फोर्स ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह प्रभावित किया, अपने पीछे डिस्ट्रक्शन का निशान छोड़ दिया। रोड्स फ्लड वाटर्स के प्रेशर में क्रम्बल हो गए, ब्रिजेस वीकन हो गए और बिल्डिंग्स पर रिलेंटलेस विंड्स एंड रेन के निशान बन गए। शहर का पावर ग्रिड, जो पहले से ही बर्जनिंग पॉपुलेशन की डिमांड से स्ट्रेन्ड था, ऑनस्लॉट के तहत फॉल्टर हो गया, जिससे कई एरियाज डार्कनेस में डूब गए। तूफान ने क्लाइमेट चेंज के ग्रोइंग थ्रेट के लिए मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। शहर का ड्रेनेज सिस्टम, जो एक अलग एरा के लिए डिजाइन किया गया था, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल को हैंडल करने में इनएडिक्वेट साबित हुआ, जिससे वाइडस्प्रेड फ्लडिंग हुई। एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड से कोप करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तूफान की फ्यूरी को विदस्टैंड करने के लिए इलिक्विप्ड था। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करता है। तूफान का एनवायरमेंटल इंपैक्ट सिग्निफिकेंट था। कोस्टल इरोजन तेज हो गया, मरीन इकोसिस्टम्स डिसरप्ट हो गए और रेन वाटर के डिल्यूज ने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को ओवरवेल्म्ड कर दिया, जिससे वाटर बॉडीज का पोल्यूशन हुआ। तूफान ने अर्बन एनवायरमेंट्स और नेचुरल इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस को रेखांकित किया, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की आवश्यकता को हाईलाइट किया, ताकि ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट से होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज को कम किया जा सके। तूफान की फ्यूरी बिल्ट एनवायरमेंट से आगे तक फैली हुई थी।
मुंबई के नेचुरल सराउंडिंग्स पर एक विजिबल मार्क छोड़ गया। कोस्टल एरियाज ने तूफान की फोर्स का ब्रंट झेला, तेज लहरों ने शोरलाइंस को इरोड किया और मरीन इकोसिस्टम्स के डेलिकेट बैलेंस को अल्टर किया। रेन वाटर का डेल्यूज, जो शहर की स्ट्रीट्स और ओवरफ्लोइंग सीवेज सिस्टम्स से पोल्यूटेंट्स कैरी कर रहा था, वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट कर दिया, एक्वाटिक लाइफ और ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा पैदा कर दिया। तूफान अर्बन एनवायरनमेंट्स और नेचुरल इकोसिस्टम्स के इंटरकनेक्टेडनेस के स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। तूफान से हुए एनवायरनमेंटल डैमेज ने सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की आवश्यकता को हाईलाइट किया, ताकि नेचर के डेलिकेट बैलेंस पर ऐसे इवेंट्स के इंपैक्ट को कम किया जा सके। सेक्शन 5, आंधी से आवाजें, चश्मदीदों के बयान। तूफान का असर मुंबई के रेजिडेंट्स के जीवन में गूंज उठा। आई विटनेसेस ने फ्लडेड होम्स से हैरोइंग एस्केप्स, सबमर्ज्ड स्ट्रीट्स से नेविगेट करने के स्ट्रगल और अपने नेबरहुड्स के डिस्ट्रक्शन को देखने के किस्से सुनाए। उनकी कहानियों ने तूफान की फेरोसिटी और एडवर्सिटी के सामने सिटी के इनहेबिटेंट्स की रेजिलियंस की एक विविड पिक्चर पेश की। तूफान का इम्पैक्ट मुंबई के रेजिडेंट्स के लिव्ड एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सबसे अक्यूटली फेल्ट हुआ। आई विटनेस अकाउंट्स ने तूफान की फेरोसिटी की एक विविड पिक्चर पेश की। केओस से उभरने वाले फियर, रेजिलियंस और कम्युनिटी स्पिरिट को कैप्चर किया। डार्केंड होम्स में हडल्ड फैमिलीज एंग्शियसली राइजिंग फ्लड वाटर्स को मॉनिटर करते हुए डिजास्टर के ह्यूमन कॉस्ट को हाईलाइट करते हैं। तूफान का इम्पैक्ट मटेरियल लॉसेस से आगे तक फैला हुआ था। मुंबई के रेजिडेंट्स के कलेक्टिव मेमोरी पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया। ब्रेवरी, कंपैशन और कम्युनिटी स्पिरिट के किस्से डेवास्टेशन से उभरे क्राइसिस के समय में एक साथ आने की सिटी की एबिलिटी को हाईलाइट किया। सेक्शन 6, तूफान के पीछे का विज्ञान, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर। एक्सपर्ट्स ने तूफान की इंटेंसिटी के एक की ड्राइवर के रूप में क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा किया। राइजिंग सी लेवल्स, वार्मर ओशन टेम्परेचर्स और अल्टर्ड एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स ने एक परफेक्ट स्टॉर्म के निर्माण में योगदान दिया। मुंबई का तूफान एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की अर्जेंट नीड और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फ्यूल करने में इसकी भूमिका को हाईलाइट करता है। मुंबई का तूफान केवल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि क्लाइमेट चेंज के ग्रोइंग थ्रेट का एक स्टार्क रिमाइंडर था। साइंटिस्ट्स ने राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड ड्राउट्स की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी के बीच लिंक की ओर इशारा किया। तूफान एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता है। पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन से क्लाइमेट एक्शन की अर्जेंट नीड को एड्रेस करने का आग्रह करता है। तूफान ने क्लाइमेट चेंज को ड्राइव करने में ह्यूमन एक्टिविटीज की भूमिका पर साइंटिफिक कंसेंसस को रेखांकित किया। फॉसिल फ्यूल्स का जलना, डिफॉरेस्टेशन और अन्य ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो रही है और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स अल्टर हो रहे हैं। मुंबई का तूफान और दुनिया भर में अन्य एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्लाइमेट चेंज पर इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करते हैं। सेक्शन 7, सीखे गए सबक, प्रिपेयर्डनेस की जरूरत। तूफान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के महत्व में एक हार्श लेसन के रूप में कार्य करता है। एग्जिस्टिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स की इनएडिक्वेसी उजागर हुई। इंप्रूव्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए कॉल्स को प्रॉम्प्ट किया। मुंबई के तूफान ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की आवश्यकता को हाईलाइट किया, इंश्योरिंग दैट द सिटी इज इक्विप्ड टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट। तूफान के इंपैक्ट ने मुंबई के डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स में गैप्स को एक्सपोज किया। डिजास्टर के शीयर स्केल ने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज को ओवरवेल्म्ड कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स की आवश्यकता को हाईलाइट किया, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस कर सके। मुंबई का तूफान सिटी की डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजीज के रीअसेसमेंट के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। इंप्रूव्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रोबस्ट इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स और कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत एविडेंट हो गई। तूफान ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में इन्वेस्ट करने के महत्व को रेखांकित किया, इंश्योरिंग दैट मुंबई इज बेटर इक्विप्ड टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट। सेक्शन 8, पुनर्निर्माण और लचीलापन, अर्बन प्लानिंग को मजबूत बनाना। तूफान के आफ्टरमैथ में फोकस मुंबई के रेजिलियंस को रीबिल्ड और स्ट्रेंथन करने पर शिफ्ट हो गया।
एक्सपर्ट्स ने सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स शामिल है। तूफान सिटी के डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को रीथिंक करने का अवसर प्रदान करता है। क्लाइमेट चेंज के सामने सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस को प्रायोरिटाइज करता है। तूफान की डेवस्टेशन ने मुंबई की अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज के रीअसेसमेंट को प्रॉम्प्ट किया। एक्सपर्ट्स ने अर्बन डेवलपमेंट के सभी पहलुओं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन से लेकर लैंड यूज प्लानिंग तक में क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तूफान मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस की ओर शिफ्ट के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। रीबिल्डिंग प्रोसेस ने क्लाइमेट रिस्क्स के खिलाफ मुंबई के रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करने का अवसर प्रदान किया। इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स में इन्वेस्टमेंट्स पैरामाउंट हो गए। तूफान एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि अर्बन प्लानिंग को सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इंश्योरिंग दैट मुंबई इज बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट। सेक्शन 9, मुंबई का भविष्य, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझना। मुंबई का तूफान कोस्टल सिटीज के लिए क्लाइमेट चेंज द्वारा पोज की जाने वाली चैलेंजेस का एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। एज ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बढ़ने का अनुमान है, जो मुंबई के फ्यूचर के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। सिटी की अडेप्ट और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को मिटिगेट करने की एबिलिटी इसकी कंटिन्यूड प्रॉस्पेरिटी और इसके रेजिडेंट्स की वेलबींग को इंश्योर करने में क्रूशल होगी। मुंबई के तूफान ने क्लाइमेट चेंज की चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की अर्जेंट नीड को हाईलाइट किया। सिटी का फ्यूचर चेंजिंग क्लाइमेट के अडेप्ट होने, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रिस्क को मिटिगेट करने और मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर बनाने की इसकी एबिलिटी पर निर्भर करता है। तूफान क्लाइमेट चेंज के सामने मुंबई के फ्यूचर के बारे में एक ब्रॉडर कन्वर्सेशन के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है। कलेक्टिव एक्शन की आवश्यकता, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और सिटीजंस शामिल हैं, एविडेंट हो गई। तूफान ने मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट मुंबई बनाने के लिए रिसर्च, इनोवेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट में इन्वेस्ट करने के महत्व को रेखांकित किया।